हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लाई हूँ एक न्यू से वीडियो। आज का वीडियो है, मैं आज 22 अगस्त है, मैं 22 अगस्त को मैं घर पे आई थी। अचानक से मैं सडनली प्लान किया था घर पे आने के लिए, तो मम्मी पापा किसी को नहीं पता था कि मैं घर पे आऊँगी, तो उसका ही इसीलिए मैं वीडियो कर रही हूँ, क्योंकि घर का रिएक्शन कैसा रहेगा मुझे अचानक से ऐसे देखते। वैसे भी मुझे पता था कि मम्मी पापा बहुत मेरे लिए बहुत चिंता करता है, इसीलिए तो उसे मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैं सुबह 4 बजे उठी। उठ के मैं एयरपोर्ट आई, 4 बजे से पहले ही आ गई थी मैं। और इधर पे एयरपोर्ट में कितना सुंदर सुंदर, मतलब जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बहुत सुंदर सुंदर, मतलब सीनरी है, मुझे देखने को बहुत अच्छा लगता है। ये मैं इधर से आइडिया लेती हूँ, मैं घर कैसे बनाऊँगी, ऐसा ऐसा करूँगी। इधर पर देख सकते हो बहुत पेंटिंग्स है, जो हिस्ट्री है राजस्थान का वैसे ही पेंटिंग है। तो अभी मैं जा रही हूँ मेरा पहला फ्लाइट पकड़ने के लिए, क्योंकि मेरा 2 फ्लाइट था, क्योंकि भाया होके जाएगा, पहले दिल्ली जाएगा, जयपुर से दिल्ली से जाए सिलीगुड़ी बागडोगरा। तो मैं फर्स्ट मेरा फ्लाइट में बैठ चुकी हूँ। उसके बाद इधर पे ना एक अंकल बैठी थी, मुझे ना हर बात में ना टोक रही थी, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना। उसके बाद मैं दिल्ली एयरपोर्ट में हूँ, दिल्ली एयरपोर्ट से अभी मैं घूम रही हूँ एयरपोर्ट। उसके बाद मैं घूम नहीं रही थी, मैं देख रही थी मेरा गेट कहाँ है, क्योंकि मुझे मेरा पहला सेकेंड वाला टिकट में मेरा गेट नंबर नहीं था, तो मैं इधर उधर पूछ रही थी। तो थोड़ा मतलब डर लग रहा था, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है ये, मतलब अकेले फ्लाइट में जाना। इससे पहले मैं शोकुत के साथ जाती थी, मतलब किसी के, मतलब शोकुत के साथ ही आई हूँ फ्लाइट में जितने बार जाए, तो इस बार मेरा फर्स्ट टाइम है। तो मैं आ गई कहाँ, बागडोगरा में। जब बागडोगरा में आई ना, मुझे इतना खुशी मिले कि भाव, मतलब अभी मुझे ना बागडोगरा जब पहुंच गई ना, अभी मुझे लग रहा था कि मैं घर कब पहुंचूंगी, ऐसा लग रहा था। और आप लोग को तो पता ही है सिलीगुड़ी में कितना बारिश होता है, बारिश, अभी भी बारिश ही हो रहा है। तो उसके बाद मैं बाहर आ खड़ी थी मैं उबेर के लिए, उसके बाद देख रही थी जब झगड़ा हो रहा था, तो उसके बाद मैं सोचा अभी मैं सरप्राइज देती हूँ, तुम लोग देखो। सरप्राइज उतना अच्छा भी नहीं था, देखो फिर भी। Yay!